झांसी कस्बे के समर्थन मोहल्ले कटरा में शराब के नशे में दबंगों का कहर देखने को मिला। एक ही परिवार के तीन लोगों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची समतर पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को मोटा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया। घटना में घायल पवन के मुताबिक मोहल्ले में ही दबंग लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं, जिसका पवन के पिता और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन दबंगों ने अपनी दबंगाई नहीं छोड़ी। इसी के साथ में आपको बता दें कि लोहे की रोड लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों में करीब 5 लोग शामिल थे। खूनी झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मोट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। भैया क्या नाम है, कहाँ के निवासी? पवन शर्मा नाम है, सुंदर के निवासी। क्या हुआ है पवन? बड़े पापा के लड़के थे, रोहित थे, राजेंद्र थे, रवि थे और उनके पिताजी कृष्णमोहन थे। एक लोग और था, 5 लोग थे पूरे। पापा बाहर बैठे थे तो गाली गलौज कर रहे थे बहुत देर से। वो हम आए पहुँचे, पापा में सरिया मार दिया, पापा का मुठा लगी पीछे से, हमें मार दिया। वे आज दिन लड़ते ही रहते हैं, दारू पीते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। अरे कभी शिकायत की नहीं, इसलिए कि घर वाली बात किसी से कुछ नहीं कहते थे। किन किन को चोट है? पापा को, हमें और छोटे भाई को है। किसी को रेफर किया गया है?